दुनिया में एक युद्ध होगा, महायुद्ध होगा। युद्ध इसलिए भी होगा कि वो एक भगवान क्या चाह रहा है, सब लीला है। तो जैसे दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले एक स्वामी जी के बारे में, जो कि रणवीर अलाहाबादी का, आपको पता है पॉडकास्ट चलता है, उसी के शो पे आए। और नाम तो टाइटल में स्वामी यू कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या नाम है इनका, पर जो भी है, इन्होंने भारत को लेके नेक्स्ट ईयर 2025 को लेके कुछ प्रिडिक्शंस बताई है, उसी को सुनने वाले। उसकी छोटी सी क्लिप मैंने टेलीग्राम पे भी डाली थी, उम्मीद है आप लोगों ने देखा। दुनिया में एक युद्ध होगा, महायुद्ध होगा, ये एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग नहीं, ड्यू भी है, ग्रहों का एक समीकरण है, 30 मई जो 6 ग्रह आपस में पोजिशन बना रहे हैं, ये वो पोजिशन बना रहे हैं जो पूर्व में महाभारत के समय बड़े बड़े युद्धों के समय, ये मैथमेटिकल है। और उस समीकरण में एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ भारत के लिए स्वर्ण भारत होगा, उसी का थोड़ा सा बड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है ये। तो देखते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ क्या कुछ बताया इन्होंने। और एक और चीज़ बता दूँ, अगले साल हाफ को लेके मार्च या फिर मई के या अप्रैल के आसपास कई सारे प्रेडिक्शंस ऑलरेडी हो चुकी, जो कि मैच होती है ना बहुत सारे लोगों की सेम। तो सुनते हैं इनकी भी क्या उन्हीं की तरह है और बाकी लोगों की क्या थे उसके बारे में बात करेंगे। खैर फिलहाल वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। महावतार बाबा जी और कामाख्या देवी और एक और टॉपिक था मेरे ख्याल से 2025 के बारे में आप बात कर रहे थे। अरे मई 2025 या ये क्यों कहा? ग्रहों का एक समीकरण आ रहा है 30 मई के आसपास, एस्ट्रोलॉजिकली ये जो 6 ग्रह आपस में पोजीशन बना रहे हैं, ये वो पोजीशन बना रहे हैं जो पूर्व में महाभारत के समय या बड़े बड़े युद्धों के समय ग्रह बनाते हैं। ये मैथमेटिकल है, किसी के द्वारा बोल देना मात्रा से नहीं होता है, वो उसकी फॉर्मूलाज हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो वो समीकरण बन रहा है और उस समीकरण में एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ भारत के लिए स्वर्णिम काल है, भारत बिल्कुल पीक पे है। और उस चीज़ को अरबिंदो भी कह गए, विवेकानंद भी कह गए कि, और अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट जो साइंटिस्ट रहे, उन्होंने भी कहा, उन्होंने साइंटिफिक आधार पर कहा, ये चीज़ें दिख रही है आपको कि हो रहा है। अब बिल्कुल ही आपने आंखें बंद कर रखी है, प्रिजुडाइज माइंड है आपका, आप देखना भी नहीं चाहते हो, तो फिर तो भगवान ही आपका भला करे, मुझे तो दिख रही है चीज़ें होते हुए। दुनिया में एक युद्ध होगा, महायुद्ध होगा, हाँ, ये एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग नहीं, ड्यू भी है, युद्ध इसलिए भी होगा कि रिवाइव करने के लिए यज्ञ जो होता है ना, युद्ध यज्ञ है, यज्ञ सेक्रीफाइस है, यज्ञ का इंग्लिश में वर्ड सेक्रीफाइस है, यज्ञ दान तप न त्याजते, 18वें अध्याय में गीता के भगवान कृष्ण कहते हैं, ये तीन चीजें तो मैं भी नहीं इग्नोर करता हूँ, कृष्ण भी, यज्ञ दान और तप। युद्ध क्या है? जब आपका पूरा स्टेलमेट चीजें हो जाती है, टेक्नोलॉजी आपस में पीक पे आ गई, सब जगह शांति 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 रखोगे, सब चीजें यू नो बर्फ में लगी हुई है, तो थोड़ा पिघलाने के लिए हीट देना पड़ता है, युद्ध उसका एक फीचर है। पर भारत को रक्षा मिल रही है? भारत को रक्षा मिल रही है कहाँ से? महावतार बाबा जी से। मैंने तो कहा भारत का स्वर्णिम युग है, भारत विल डोमिनेट, भारत यूनाइटेड नेशंस के अंदर वीटो पावर के साथ आने वाला है, भारत यूनाइटेड नेशंस में बहुत लीड पोजीशन में आने वाला है बहुत जल्दी। ओके, अभी ये थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे हैं। मेनली इन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ कही वो है एस्ट्रोलॉजिकली कि जो ग्रहों की सिचुएशन बन रही है, स्थिति बन रही है, वो महाभारत के टाइम में बनी थी। ये ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके हैं ना, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसा दावा कर चुके हैं, हालांकि टाइमलाइन थोड़ी बहुत इधर उधर होती रहती है, पर एट दी एंड वो कोई लाखों साल के बाद की नहीं है ना। इसके अलावा एक और चीज़ भी बता दूँ, नेक्स्ट ईयर को लेके बहुत से, मतलब बहुत से नहीं बोलूँगा मैं, कुछ जगहों से ऐसी भी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जो मासेस को इफेक्ट करने वाली है। अब जिन पे मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, वहाँ से मुझे ये पता चला था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो मासेस को इफेक्ट करेगा, और जैसे जो 2019-20 में हुआ था, 20 में, उससे भी बड़ा कुछ। आप उसको आप किस तरह से लेते हैं, किसी वायरस से लेते हैं या फिर किसी और चीज़ से लेते हैं, वो देखने वाली बात है। बाकी पर्टिकुलर डेट्स या फिर टाइम बताना मुझे नहीं लगता ठीक होता है, पर फिर भी नेक्स्ट ईयर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी बिहाइंड द सीन चल रही है। वो हमने इस साल के शुरू में जो प्रेडिक्शन वाला वीडियो था पीटी गुरु के साथ में, उन्होंने भी ये चीज़ बताया था कि इस साल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहाइंड सीन हो रही है। मैंने टेलीग्राम में पोस्ट भी डाल देता है ना, पर नेक्स्ट ईयर और उसके आगे जो भी 25-26 उसमें वो खुल के सामने आएंगी कि वो प्लानिंग क्या हो रही थी, उसका क्या इफेक्ट है,
और जहाँ तक मुझे लगता है सिस्टम का बिखराव शुरू हो जाएगा, वो ऑलरेडी अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं, बांग्लादेश में ऑलरेडी हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे क्या सिचुएशन हो रही है। मेरे ख्याल से अब अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश जारी है, वहाँ की प्रधानमंत्री वहाँ से भाग चुकी हैं, मेनली हिंदुओं के साथ बहुत बुरा हो रहा है। और खैर उम्मीद करते हैं कि शक्ति मिले, भगवान रक्षा करें उनकी और अपने आप को संभाल। खैर वैसे इन बाबा जी ने जो बात कही, आप लोग कितना अग्री करते हैं और आप इनको जानते हैं नहीं, वो भी कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास भी अगर कोई ऐसी क्लिप्स हो जहाँ पे कोई नॉलेजेबल पर्सन कुछ बता रहे हैं नेक्स्ट ईयर को लेके या फिर भगवान कल्कि को लेके, तो वो भी बता सकते हैं। बाकी ये एक इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू वो भी है कि अभी जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से विश्वगुरु बनेंगे या फिर नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हम जा रहे हैं वो उस तरफ नहीं है। सिचुएशंस अभी आउट ऑफ कंट्रोल होगी इंडिया में भी। फिलहाल वर्ल्ड वाइड सिचुएशंस कैसी चल रही है वो आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा, वर्ल्ड वाइड वॉर की सिचुएशन बढ़ती जा रही है इसी ईयर को लेके। ये था प्रिडिक्शंस कि वॉर बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। नेचुरल डिजास्टर्स भी कल ही आपने देखा होगा अगर टेलीग्राम ग्रुप में है, तो जापान में 7.2 or 3 के आसपास का अर्थक्वेक देखने को मिला, जिसके बाद सुनामी का भी चेतावनी जारी, मेरे ख्याल से वो हो भी रहा है। तो बाकी ऐसे ही न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।